आज है दिवाली और नेक्स्ट नाइन न्यूज ग्रुप की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी की दिवाली बड़े ही खूबसूरत अंदाज से बीते और ढेरों खुशियां आपकी ज़िंदगी में ये त्यौहार लेकर आए। अब ऐसे में कपिल और गिन्नी की ज़िंदगी में भी ये त्यौहार जो है ढेरों खुशियां लेकर आएगा, क्योंकि शादी के बाद कपिल और गिन्नी का ये जो त्यौहार है वो पहला त्यौहार है। और अगर एक पंजाबी कल्चर की बात की जाए तो कहा यही जाता है कि शादी के बाद पंजाबी कल्चर में दिवाली का त्यौहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि शादी के बाद की ये जो दिवाली होती है वो इवन हर कल्चर में बेहद ही खूबसूरत अंदाज से मनाई जाती होगी। आप सभी को बता दें कि कपिल और गिन्नी के लिए ये जो त्यौहार है वो बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये त्यौहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ कपिल और गिन्नी सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसे में आप सभी को बता दें कि गिन्नी बेहद ही जल्द जो है एक बेबी को जन्म देने वाली है, यानी कि गिन्नी इन दिनों प्रेग्नेंट है और कपिल बेहद ही जल्द पापा बन जाएंगे। तो जिस तरीके से ये जो खुशियां उनके घर में आई हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि ये त्यौहार और खुशियां लेकर आएगा। और फैंस जिस नन्हे मेहमान का इंतजार कर रहे हैं, वो नन्हा मेहमान दिसंबर तक, बताया जा रहा है कि वो नन्हा मेहमान दिसंबर तक फैंस के सामने आएगा। और उम्मीद यही है कि ये त्यौहार ढेरों खुशियां इनकी जिंदगी में लेकर आए और कहीं ना कहीं वो बेहद ही ज्यादा जो है खूबसूरत अंदाज में इनका त्यौहार मनाया जाए। नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम से नैन्सी की रिपोर्ट।